But we stay in UP, where a 38-year-old journalist, Naveen Srivastav, was killed in Kanpur's Bilhaur Nagar Palika. Three persons on a two-wheeler shot him with five bullets, piercing Naveen. He was rushed to the nearest hospital but succumbed to his injuries en route. Now, while the motive behind the murder is unclear, the Uttar Pradesh Chief Minister has stepped in. He has directed the state DGP to follow up on the investigation. Now, the police have also have so far rounded up about a dozen suspects. मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस समय जिलाधिकारी और एसएसपी वहां पर मौके पर हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका अनावरण अति शीघ्र हो जाएगा। इसमें एसटीपी लगाई गई है? फिलहाल वहां की लोकल टीम लगी हुई है। आवश्यकता अनुसार कुछ बातें निकल के आई हैं अभी तक, जिसका मैं इस समय खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें पता चली है कि क्या कारण रहा है और बाकी तफ्तीश का विषय है और इस समय डीएम एसएसपी मौके पे हैं और अति शीघ्र इस केस का अनावरण करेंगे। जो नवीन गुप्ता है, जो तहसील बिलौर के हिंदुस्तान के संवाददाता हैं, उनको गोली मारी गई है शाम को, जब वो बता रहे हैं कि अपनी दुकान से वॉशरूम करने के लिए निकले हैं सड़क के किनारे। तो सारे पहलुओं पर जो है जाँच हो रही है और अभी उनके परिजनों ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एफआईआर लिखा है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद तुरंत फिर अग्रिम कार्रवाई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर रहे हैं शव को और फॉरेंसिक टीम भी आ रही है और डॉग स्क्वाड भी है। सारे पहलू देखे जा रहे हैं, किन किन से बात हुई है, कब बात हुई है। उनकी पत्नी ने भी विस्तार में बताया है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी बातें हुई उनकी, उनके भाई ने, भाई से भी काफ़ी लंबी बात।